Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about employees' morale, meaning and factor affecting employees' morale. अब मोराल क्या है? मोराल की बात करें हौसला. एक बंदे में हौसला कितना, एक बंदे में जोश कितना, एक बंदे में एंथोसिज्म कितना, एक बंदे में उत्साह कितना. मोराल क्या होता है? हौसला कितना है आपके पास किसी काम को करने का, जोश कितना है किसी काम को करने का, एंथोसिज्म कितना है किसी काम को लेकर आप कितने उत्साही हो, कितना उत्साह भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है मोराल. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लॉयज मोराल के बारे में. इम्प्लॉयज मोराल क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जो टास्क दिया जा रहा है, उनका उनको जो काम दिया जा रहा है उनके लिए उनका एंथोसिज्म कितना है, कितने जोश से वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, कितने उत्साह से वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, कितने दिल से वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं. बेसिकली उनका एटीट्यूड क्या है उनके वर्क को लेकर, उनके वर्क इन्वायरमेंट को लेकर, उनके सुपरवाइजर को लेकर इम्प्लॉयज का एटीट्यूड क्या है, कितने विलिंगली वो कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होता है मोराल. वो एम्प्लॉइज मोराल की बात करें तो क्या है, जो एम्प्लॉइज को आपने टास्क दिया, जो काम दिया उनको लेके उनका एंथोसिज्म क्या है, जो उनको आपने गोल दिया उनको लेके उनका एंथोसिज्म क्या, कितने जोश से, कितने उत्साह से, कितने दिल से वो उस काम को पूरा कर रहे हैं, कितने विलिंगली वो दूसरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. ओके, उनका एटीट्यूड क्या अपने काम को लेके, अपने सुपरवाइजर को लेके, अपने वर्क एनवायरमेंट को लेके, ये तो हो गया मोराल. आप कभी नहीं कह सकते कि उस बंदे में मोराल नहीं है. मोराल हर किसी में होता है, किसी में लो होता है, किसी में हाई होता है. अगर आप अपने काम को फुली एंथुसिएज्म के साथ कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, तो आपका मोराल क्या हाई है. अगर आप अपने काम को सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो, तो आपका मोराल क्या डाउन है, लो है. ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपके मोराल को इफेक्ट करते हैं. पहला है नेचर ऑफ वर्क. ओके, आपको जो काम दिया गया है वो कैसा है. अगर काम ऐसा है बोरिंग सा, आपको बार बार एक ही तरह का काम दिया जा रहा है, बार बार रेपिटेटिव वर्क कर रहे हो, कितने सालों से, कितने टाइम से अब एक जैसा काम कर ही जा रहे हो, तो आपका मोराल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा. अगर आपको कुछ नया काम करने को मिल रहा है, कुछ रोज नया सीखने को मिल रहा है, तो आपका मोराल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. सेकेंड क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सेकेंड क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आप किस लेवल तक सेटिस्फाई हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी है. अगर आपको प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, आपको प्रॉपर रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, आपके आपको प्रमोशन भी मिल रही है, आपके करियर डेवलपमेंट के लिए भी कुछ किया जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या हो अपने काम से सेटिस्फाई हो, अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो, आपके मोराल का लेवल हाई होगा. दूसरी तरफ ना जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम है, तो आप डिससेटिस्फाई हो, आपके मोराल का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ सुपरविजन. ठीक है, कोई बंदा नहीं चाहता टू मच कंट्रोल, टू मच सुपरविजन कोई बंदा नहीं चाहता. हर बात में उसे सुपरवाइज किया जाए, हर बात पे टू मच रिस्ट्रिक्शन, टू मच कंट्रोल कोई नहीं चाहता. हर किसी को एक फ्रीली एनवायरनमेंट चाहिए, उसे भी कुछ फ्रीडम हो, कुछ सोचने की, कुछ डिसाइड करने की. अगर आप सुपरविजन सिस्टम ऐसा है कि आप एम्प्लॉयज पे टू मच कंट्रोल रख रहे हो, तो मोराल का लेवल डाउन होगा ही होगा. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. अपने बारे में आप क्या सोचते हो. अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है, आप में कॉन्फिडेंस हाई है, तो आपका मोराल अल्टीमेटली हाई होगा. दूसरी तरफ आप में लो कॉन्फिडेंस है, तो आपका मोराल भी क्या होगा, लो होगा. ठीक है, आपकी अपने बारे में सोच कैसी, आप अपने आप को कैसे देखते हो, वो भी आपके मोराल को इम्पैक्ट करेगा. उसके बाद बात करते हैं हम इम्प्लॉइज एज के बारे में. आपका मोराल आपकी एज पे भी डिपेंड करता है. जब आप यूथ होते हो ना, आप में हाई एनर्जी होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, तब आपका आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो आपका मोराल डाउन हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, आप में क्या आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है अपने काम को लेके, सीरियसनेस आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका मोराल क्या होता है, हाई हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो हो जाती है, आप काम के लिए सीरियस हो जाते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है. यूथ होते हो तो आपका मोराल क्या होता है, लो होता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है. लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती जाती है, आप काम को सीरियस लेने लग जाते हो, तो आप में मोराल अपने आप ही हाई हो जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं इंप्लॉइज हायरार्की. ठीक है, हायरार्की में आपका लेवल किसका है. जो टॉप लेवल के वो होते हैं ना, उनका मोराल हाई होता है, ठीक है, लेकिन जो लोअर लेवल के होते हैं ना, उनका मोराल क्या होता है, लो होता है, क्योंकि वो आपको अपने आपको कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ. ठीक है, जो टॉप हायरार्की पे है उसका मोराल हाई होगा, लेकिन जो लोअर पे है वो अपने आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, जिसके कारण उनका मोराल क्या डाउन हो जाता है. आई थिंक आपको समझ में आएगा. थैंक यू.